हाल ही में दिव्यांका त्रिपाठी के एक्स बॉयफ्रेंड शरद मल्होत्रा ने अपनी गर्लफ्रेंड पूजा बिष्ट के साथ अपना ब्रेकअप अनाउंस किया था। अलग होने के बाद जहां शरद ने बताया था कि उनकी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से वो और पूजा अब साथ नहीं है, तो वहीं अब पूजा ने शरद पर कई बड़े आरोप लगा दिए हैं। ब्रेकअप के बाद पूजा का कहना है कि शरद 2 महीने से उन्हें धोखा दे रहे थे और वो किसी और लड़की के प्यार में पड़ गए हैं। बॉम्बे टाइम्स से बातचीत में पूजा ने कहा है, 6 महीने पहले शरद ने अजीब सा बर्ताव करना शुरू कर दिया था। वो अचानक से मुझसे कम बात करने लगा था। मुझे लगा था कि काम के स्ट्रेस में वो ऐसा कर रहा है। मुझे ऐसा कतई नहीं लगा था कि वो रिश्ता खत्म करने की प्लानिंग में है। 2 महीने पहले मुझे पता चला कि वो किसी लड़की से मिल रहा है। पूजा ने ये भी हिंट दिया कि शायद दोनों का अफेयर चल रहा है। पूजा ने कहा है, शरद ने मुझसे कहा था कि मेरे मैनेजर ने उस लड़की के साथ उनकी मीटिंग फिक्स की थी, लेकिन असल में दोनों इंस्टाग्राम पर मिले थे। इसके बावजूद मैंने कुछ गलत नहीं सोचा। पूजा ने आगे कहा है, इस ब्रेकअप से मैं काफी शॉक्ड हूँ। ब्रेकअप के दिन शरद ने मुझसे ये कहा था कि मेरे साथ उसे कोई कनेक्शन फील नहीं होता। उसने ये भी कहा था कि 2 महीने पहले एक ज्योतिष ने उसे ये कहा था कि वो मुझे छोड़ दे, क्योंकि उसका मेरे साथ रहना ठीक नहीं। वो हमारा रिश्ता अपनी मम्मी और ज्योतिष के कहने पर खत्म करना चाहता है। वो जब पूजा के आरोपों के बारे में शरद से पूछा गया तो उन्होंने इस पर सफाई देते हुए कहा कि ऐसे सारे आरोप बेबुनियाद हैं। शरद ने कहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, उनके बीच कोई लड़की नहीं आई और उन्होंने पूजा को धोखा नहीं दिया। हालांकि शरद ने ये तो माना कि एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक उनकी शादी में प्रॉब्लम हो सकती थी, इसीलिए उन्होंने पूजा के साथ अपना रिश्ता तोड़ लिया। वल्लभ, इस पर आप क्या कहेंगे? आप भी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।